हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 और इसका लेक्चर नंबर 2। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान देने वाली है। बात यह है कि अपने सिलेबस में एस्पेक्टोरेंट अलग लिखा हुआ है और म्यूकोलाइटिक एजेंट अलग लिखे हुए हैं, बट जो म्यूकोलाइटिक एजेंट है ये एस्पेक्टोरेंट के अंदर ही आते हैं। होते क्या है एस्पेक्टोरेंट, अब समझो बात को। अब जो हमारी दवाइयां चलने वाली हैं एस्पेक्टोरेंट या म्यूकोलाइटिक एजेंट या इसके बाद जो लेक्चर आएगा एंटीटसिव एजेंट, हम लोग खांसी की बात करेंगे। कफ, खांसी को क्या बोलते हैं? कफ बोलते हैं। अब बात को समझ लें जरा, ठीक है? खांसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कफ बोलते हैं। और कुछ बातें थोड़ी सी यहां समझ लें। खांसी सब लोग जानते हो, है ना? इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? कफ बोलते हैं। अब कफ के दो रूप होते हैं। हम कहते हैं खांसी कैसी है, सूखी खांसी है या बलगम वाली खांसी है, ठीक है ना? तो खांसी को कफ बोला जाता है और कफ को इंग्लिश में सूखी खांसी, तो इसे हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में चलेगा नॉन प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्शन नहीं है कुछ भी, कफ नहीं आता है, केवल खांसी हो रही है, दैट इज कॉल्ड नॉन प्रोडक्टिव कफ। इसके लिए जो दवाइयां होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं एंटीटसिव, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और एक होता है हमारे पास प्रोडक्टिव कफ, बलगम वाली खांसी, प्रोडक्टिव कफ। इसमें क्या निकलेगा? बलगम आएगा, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव कफ। कफ का मतलब खांसी होती है। अब सूखी है या बलगम वाली है, उसके आगे टर्म लग जाता है प्रोडक्टिव, ठीक है, और नॉन प्रोडक्टिव। अब इसके अंदर हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं एस्पेक्टोरेंट्स को। किसको इस्तेमाल करते हैं? एस्पेक्टोरेंट्स। अब क्या होते हैं एस्पेक्टोरेंट्स? एस्पेक्टोरेंट्स का मतलब क्या होता है? जो हमारी बॉडी में कफ बन रहा है, हमारे गले में, हमारे फेफड़ों में, उस कफ को बाहर निकालते हैं। ये दो तरीके से होते हैं एस्पेक्टोरेंट, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सिक्रेशन एनहेंसर, ठीक है। अब हम यही आते हैं, एस्पेक्टोरेंट ये रहे हमारे पास, अब हम यही आते हैं। कहानी समझ में आ गई खांसी और कफ की, ठीक है ना? तो एस्पेक्टोरेंट दो टाइप के होते हैं, सिक्रेशन एनहांसर और म्यूकोलाइटिस। अब म्यूकोलाइटिस अपने सिलेबस में अलग से भी दे दिया, तो सेम ही चीज है, कोई फर्क ज्यादा अंतर नहीं है उसमें। तो देखो सिक्रेशन एनहांसर मतलब कि होता क्या है कि सिक्रेशन को बढ़ा देगा। अगर हल्का हल्का कफ बन रहा है तो अंदर से सिक्रेशन निकलेगा, लिक्विड और ज्यादा निकलेगा, जिससे कफ जो है वो बाहर निकल के आसानी से आ सके। तो सिक्रेशन एनहांसर कफ को बढ़ाएगा, एक्चुअली कफ नहीं बढ़ाता, वो लिक्विड से सिक्रीट करते हैं जिससे कि जो कफ हल्का पुल्का है वो निकल करके बाहर आ जाए। और एक होते हैं म्यूकोलाइटिक्स। बलगम क्या होता है? गाढ़ा गाढ़ा सा, है ना? सोचते कहेंगे सर क्या बोल रहे हो। हाँ, गाढ़ा गाढ़ा जो होता है एकदम व्हाइट म्यूकस टाइप का, एकदम गाढ़ा सा जो निकलता है, ठीक है, वो जो गाढ़ा गाढ़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो गाढ़ा म्यूकस होता है। वो गाढ़ा गाढ़ा क्या होता है? म्यूकस। अगर इसको तुम उसमें देखने जाओगे, माइक्रोस्कोप में देखोगे, तो पूरा जाल नुमा रहता है। ये कैसा रहता है? एकदम जाल नुमा रहेगा। ये कैसा रहता है? एकदम जाल नुमा, पूरा फाइबर्स टाइप का रहता है। अब ये इतना जबरदस्त जाल नुमा रहता है कि ये फंसा रहता है गले में, निकलते खांसते हैं, आता है यहां तक, फिर बाहर नहीं निकल रहा है। तो जो म्यूकोलाइटिस जो हम दवाइयां इस्तेमाल करते हैं वो इस जाल को काट देते हैं, जगह जगह पे काट देंगे। काटने से क्या होगा? ये म्यूकस मेरा लूज हो जाएगा। म्यूकस मेरा क्या हो गया? ये लूज हो गया। अब जब ये लूज हो जाएगा तो ये आसानी से बाहर निकल के आएगा जब हम खांसेंगे, ठीक है? तो म्यूकोलाइटिक्स, लाइटिक मतलब क्या है? तोड़ना, म्यूकस को तोड़ने वाले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूकोलाइटिक्स बोलते हैं। खेल खत्म। बाद बाकी अपनी कहानी वही है, अगेन छोटू सा चैप्टर है, सॉरी छोटू सा लेक्चर है। तो पढ़ ले डेफिनेशन एस्पेक्टोरेंट्स, या इसको म्यूकोकाइनेटिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकोकाइनेटिक्स आर अ ड्रग बिलीव टू इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशन। ऐसा माना जाता है कि ये ब्रोंकियल सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं या और रिड्यूस इट्स विस्कोसिटी, या उसके गाढ़ेपन को ये कम कर देते हैं। बात समझ में आ गई?
या तो सिक्रीशन को बढ़ाएंगे या म्यूकोलाइटिस जो काट देंगे तो इसका गाढ़ापन कम हो जाएगा। जब गाढ़ापन कम हो जाएगा तो इजीली फ्लो कर पाएंगे, ये इजीली बाहर निकल पाएंगे। जो चीज जितनी गाढ़ी होगी उसका बहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो दो काम करते हैं, ब्रोंकियल सिक्रीशन का और रिड्यूस द विस्कोसिटी, जिसकी वजह से फैसिलिटेट इट्स रिमूवल बाय कफिंग। अब जब खांसी आती है तो उससे उसका बाहर निकलना आसान हो जाता है। क्लासिफिकेशन देख लें, ठीक है, ड्रग्स फॉर कफ, पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी हम उसका एक छोटा सा पार्ट है एक्सपेक्टोरेंट देख रहे हैं। सिक्रेशन एनहांसर है पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, गुआनफेंसिन, टोलू बल्सम, बसाका, अमोनियम क्लोराइड। म्यूकोलाइटिक में ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइल सिस्टीन और कार्बोसिस्टीन। अब ब्रोमहेक्सिन और एम्ब्रोक्सोल, एम्ब्रोक्सोल काफी बेटर माना जाता है। अब की बार कभी कभी खांसी हो तुमको सीरम पक्का देखना, कफ वाली खांसी होगी, कफ मतलब कफ वाली नहीं, प्रोडक्टिव वाली यानी बलगम वाली, तो डॉक्टर जो तुमको सिरप लिखेगा उसके अंदर इन दोनों में से कोई ना कोई पक्का मिलेगा। और अगर तुम जाकर डॉक्टर बोलोगे सर डॉक्टर साहब सूखी खांसी है का बलगम नहीं आता, तो उसके अंदर तुम्हें बहुत ज्यादा जो पॉपुलर चलता है अमोनियम क्लोराइड, गुआनफेंसिन, ठीक है ना, और आई थिंक पोटेशियम सिट्रेट, ये तीन प्रोडक्ट ज्यादातर मिलते हैं सिरप के अंदर, चेक करना आपकी बार से। तो बड़ा आसान है, याद कर लोगे इसको। फार्माकोलॉजिकल एक्शन दो ही है, या तो सिक्रेशन एनहांसर या म्यूकोलाइटिक। तो यहां पर सिंपल क्या लिखना है, इट डीपॉलीमराइजेस, ये पॉलीमर था इसको डीपॉलीमराइज कर देगा, तोड़ देगा, डीपॉलीमराइजेस म्यूको पॉलीसेक्राइड। ये होते क्या है, म्यूकस के पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड मतलब कार्बोहाइड्रेट के बने हुए फाइबर्स होते हैं, तो म्यूको पॉलीसेक्राइड को डीपॉलीमराइज करेगा डायरेक्टली एज वेल एज बाय लिबरेटिंग लाइसोजाइमल एंजाइम, या तो डायरेक्ट तोड़ेगा या लाइसोजाइमल एंजाइम को सिक्रीट करवाएगा, ठीक है। नेटवर्क ऑफ फाइबर इन टेनेसियस, टेनेसियस होता है जो बड़ा गुथा हुआ होता है, स्पूटम जो हमारा बलगम हो गया इज ब्रोकन, तो जो स्पूटम के अंदर बहुत ही जटिल टेनेसियस ये फाइबर्स होते हैं इनको क्या कर देगा, तोड़ देगा ये। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम ही रहने वाला है, कुछ ज्यादा है नहीं इसके अंदर। नाउ गुआनफेंसिन की बात कर लें अगर हम लोग, ठीक है। अच्छा ड्रग वाइज अलग अलग चाहो तो लिख सकते हो, ड्रग वाइज अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं हमें। वैसे डोज की बात करें तो गुआनफेंसिन की डोज दे रखी है 200 से 400 मिलीग्राम है ना एवरी 4 आवर, अमोनियम क्लोराइड की है, ब्रोमहेक्सिन की आ गई, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइल सिस्टीन और कार्बोसिस्टीन। तो ड्रग अपने खास कर जैसे एम्ब्रोक्सोल और ब्रोमहेक्सिन, इधर गुआनफेंसिन और अमोनियम क्लोराइड, ऊपर की चार अच्छे से याद कर लोगे काफी है, पर्याप्त है। इंडिकेशन, इंडिकेशन देखो जितने भी कंडीशन जहां पे गाढ़ा कफ बनता है बॉडी के अंदर, ठीक है ना, कौन कौन सी कंडीशन है, रिलीफ ऑफ प्रोडक्टिव कफ एसोसिएटेड विद प्रोडक्टिव कफ, किस कब कब होता है, कॉमन कोल्ड में हो जाता है कफ, ब्रोंकाइटिस में हो जाता है कफ, लेरेंजाइटिस में कफ हो जाता है, फेरेंजाइटिस में कफ हो जाता है, कफ कॉज्ड बाय क्रोनिक पैरानेजल साइनेटाइसिस, जब है ना यहाँ पे लोगों को साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है तो कफ बहुत ज्यादा बनता है, पर्टूसिस, इन्फ्लुएंजा, मीजल, ये सारी वो कंडीशन है जब गाढ़ा गाढ़ा कफ हमारी बनना स्टार्ट हो जाता है, तो ये दवाइयां तब इस्तेमाल की जाती है कफ निकल के बाहर आता रहे। तो इनमें से कोई भी 5 से 6 याद कर सकते हो, क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन जो हमेशा ही रहता है, लिख सकते हो हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर, अच्छा हाइपर यहां पर लिख सकते हो हाइपर, ऐड कर देंगे यहां पर हाइपर सेंसिटिविटी, है ना, ड्रग को लेकर हाइपर सेंसिटिव है कोई रिएक्शन मतलब रिएक्ट कर जाती है, प्रेगनेंसी लैक्टेशन कॉमन आ गया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये 4-5 तो ऐसे है कि याद ही कर लो, लगभग सब में आते हैं, 80-90% केस में फंसे जाते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन में, कि इन केसेस में हमें ध्यान से दवाइयों को देना होता है, क्लियर है बातें। तो लो छोटा सा चैप्टर, यहाँ 2 लेक्चर कवर हो गए, ध्यान रखना एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोलाइटिक एजेंट दोनों कवर है यहाँ पर, ठीक है। और ये अपना माइंड नर्चर जो ऐप है उसके बारे में बातें, और फिर मैं कहूँगा बेटा कोई भी दिक्कत आती है किसी भी टाइप की, अच्छा चाहे वो दिक्कत पढ़ाई को लेकर के हो, चाहे वो दिक्कत अगर आप लोगों ने ऐप ले रखा है उसको लेकर कोई प्रॉब्लम हो, तो मेरा नंबर दे रखा है, छोटे मोटे टेक्निकल इश्यूज होते हैं बच्चे लोग खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, होता नहीं है कि फिर कहते हैं कि सर ऐप कुछ मतलब है ना, कुछ बच्चे एक दो बार देखा मैंने बच्चे की सर ऐप 2 दिन से काम, अरे मेरे को कॉल करो भाई, हो जाता है कई बार कुछ इश्यूज हो जाते हैं, तो वो क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तुरंत ऑन द स्पॉट, इसलिए मैंने अपना नंबर दे रखा है, ठीक है ना, पढ़ाई तो करनी है, रिवीजन करना ही है, ठीक है, तो पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, ऑल द बेस्ट।